यमुनानगर के चचरौली बिलासपुर रोड पर एक प्राइवेट बस पलटने से हुआ बड़ा हादसा। पंचकुला के कालका से हरिद्वार की तरफ जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी बस, अचानक से सामने से तेज रफ्तार कार आई जिसे बचाने के चक्कर में मोड़ते वक्त बस अनियंत्रण होकर पलट गई। बस में 50 से अधिक श्रद्धालु थे, 20 से अधिक हुए घायल। बिलासपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचे सभी घायलों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जबकि 11 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें पंचकुला रेफर किया गया। आज हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली सुबह कि एक बस जो है चचरौली बिलासपुर रोड पे जो मोड़ है वहाँ पर पलटी है। इस सूचना पर काम वहाँ पूरी फोर्स के साथ वहाँ गए थे, जैको वहाँ का पता चला गया वहाँ एक बस पलटी हुई थी और उसमें जो कुछ सवारियाँ थी वो पता लग गया वहाँ से कुछ वो जख्मी हुई थी। वहाँ से मौके से तुरंत व्हीकलों का इंतजाम करके उनको पहले बिलासपुर हॉस्पिटल में ले गए, उनका प्राथमिक उपचार यहाँ उपचार के लिए यहाँ बिलासपुर ले गए और उसके बाद मामूली चोट आनी सभी सवारियों को, वो सभी सवारियाँ जो थी अपनी व्हीलिंग से भी वो जो कालका के रहने वाले थे लोग सभी लोगों कालका ही अपने वहीं कालका चले गए। और इसमें लगभग 11 आदमी जो हैं वो पंचकुला के लिए रेफर हुए हैं। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।